हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्य प्रकाश त्रिपाठी और आज हम बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से फिर से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ फिर से संपर्क में आ रहे हैं। इस लंबे अंतराल में हमने काफी कुछ देखा। कोरोना महामारी के चलते आप लोगों के स्कूल्स अब तक नहीं खुल पाए हैं और दूसरे सभी सब्जेक्ट्स तो आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ITES की क्लासेस आपकी अब तक शुरू नहीं हो पाई है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपको ITES पढ़ाने जा रहा हूँ। अब से मैं आपको ITES पढ़ाऊंगा और जैसा हमने पहले भी पढ़ा है हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे पूरा सहयोग देंगे और ये इस डिजिटल माध्यम से जो हम पढ़ रहे हैं इस माध्यम में यदि कोई दिक्कतें आपको आती हैं तो उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, लेकिन आपकी प्रगति इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना अधिक से अधिक सहयोग दे रहे हैं। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम सबको पता है आपके बाकी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, आप ऑनलाइन अलग अलग माध्यमों से पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से अब हम ITES भी पढ़ना शुरू करेंगे। ITES जो सब्जेक्ट है उसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो बहुत कम होता है, जबकि प्रैक्टिकल पार्ट आपको बहुत अधिक होता है। मुझे बताया है और मैंने आप लोगों को पहले भी बुक्स दी हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बुक्स मिल चुकी होंगी, आपने उनमें से पढ़ा होगा। हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें से समझ में ना आया हो और कुछ बच्चों को थोड़ा सा ही समझ में आया हो, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो आप लोग सब फिक्र मत कीजिए। हम एक नए सिरे से ITES 10th क्लास का कोर्स शुरू करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे। रोज आपको हम अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, अलग अलग वीडियो आपको मिला करेंगे। हर एक वीडियो में हम पहले जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात कर लेंगे। मतलब कि आपकी बुक में जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं उन अलग अलग टॉपिक्स के बारे में सबसे पहले हम किताब के अनुसार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में हम उन्हीं चीजों का प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से अधिकतर बच्चों के पास कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हो, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जब भी आपके स्कूल्स खुलेंगे हम स्कूल्स में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तब तक आप आपका थ्योरी पार्ट जो है जितना भी आपको किताब में दिया गया है क्या क्या आपको पढ़ना है वह सब आप पढ़ के रख लीजिए। जिन लोगों के पास कंप्यूटर है और जो लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं मेरा उनसे यही कहना है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिकल कीजिए। जितना ज्यादा आप कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पे काम करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीख पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप काम करना सीखेंगे, नई चीजों के बारे में जान पाएंगे। हम भी हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल के वीडियो बनाकर आपको देंगे। अब यदि हम आपके कोर्स की बात करें तो आपको जो 10th क्लास में दिया गया है वहां पर आपको चार अलग अलग इकाइयां पढ़नी है। इन चार अलग अलग इकाइयों में से
सबसे पहली इकाई जो है वो है आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। एक डिजिटल डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे यह काम करता है, हमने प्रीवियस क्लास में यह पढ़ लिया है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट होता क्या है और यह कैसे बनाया जा सकता है। क्या आप में से किसी बच्चे को याद है कि हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में 9th क्लास में क्या पढ़ा था? आशा करता हूं आप सबको याद होगा, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो उसके लिए भी आप इतनी फिक्र मत कीजिए। आपकी हर एक इकाई जो है वह 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है उससे जुड़ी हुई है, इसलिए यदि आपके पास 9th क्लास की किताबें हैं तो एक बार उन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आगे का काम जो है आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, जो कि आपकी पहली इकाई है। यदि आप 10th क्लास के कोर्स की बात करेंगे तो आपको यह नहीं बताया गया है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है या कैसे बनाया जाता है, आपको सीधा यह बताया गया है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम स्टाइल्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं। किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट की स्टाइल में चेंज कैसे किया जा सकता है। अब एक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की स्टाइल में चेंज करना है तो पहले एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाना तो पड़ेगा, और यदि एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाना है तो डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे हम डिजिटल डॉक्यूमेंट बना सकें। एक डिजिटल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यह सब कुछ हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एक बार यहां पर उसको रिवाइज कर लेते हैं। आप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम सुना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अलग अलग टूल्स अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यह तीन चीजें आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। यह कैसे काम करते हैं, इनमें हम अलग अलग फीचर्स जो हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यह सब कुछ हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपकी 10th क्लास में जो पहली इकाई है वह किससे जुड़ी हुई है? डिजिटल डॉक्यूमेंट से। डिजिटल डॉक्यूमेंट किसमें बनाया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। इसलिए हमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में कुछ चीजें समझ लेने की जरूरत है। इन चीजों को हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम जब नया पढ़ने जा रहे हैं तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि आपको पुराना सब गायब हो गया होगा, इसलिए उसको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हम कैसे एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और कैसे अलग अलग काम उसमें हम कर सकते हैं, यह सब बातें हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर को ऑन करेंगे। कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक किया जाएगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर हमें कुछ स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा। इस स्टार्ट मेन्यू में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला एक फोल्डर होगा। इस फोल्डर पर क्लिक करने से हमें अलग अलग ऑप्शन
या अलग अलग टूल्स ओपन होंगे। इन्हीं में से एक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यह सब हम 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ दोबारा इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप फिर से इन चीजों से जुड़ सकें। अब तक आपकी ITES की कोई क्लास ना लगने के कारण आप हो सकता है काफी सारी चीजें भूल गए हो, तो एक बार अच्छे से उन सभी बातों को याद कर लीजिए जो हमने 9th में पढ़ा था। इसके बाद ही हम 10th क्लास के कोर्स को शुरू करेंगे। आपके 10th क्लास में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 10th क्लास में आपको उसके आगे की बातें बताई गई हैं। ठीक है, एक वर्ड की विंडो हमने ओपन कर ली। अब हमें यदि कुछ टाइप करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माउस से उस खाली विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे। वहां पर क्या होगा, कर्सर ब्लिंक होने लगेगा। जैसे ही कर्सर ब्लिंक होगा हम कीबोर्ड की मदद से कुछ भी जो भी हम टाइप करना चाहते हैं वो हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एक डिजिटल डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इसे डिजिटल डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है। यहां पर आपको याद करना पड़ेगा कि हमने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में पढ़ा था। हार्ड कॉपी कौन सी होती है, हार्ड कॉपी वह होती है जो पेपर पर प्रिंट होता है, जैसे कि आपकी बुक। आपकी बुक जो है जिसे आप देख सकते हैं, आप हाथों से छू सकते हैं, उसके पेजेस पलट सकते हैं, वो क्या है, एक तरीके की हार्ड कॉपी। ठीक है, यदि यह कॉपी या यह बुक किसमें हो, डिजिटल फॉर्म में हो। डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, यहां पर ऐसी बुक या ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर्स या मोबाइल में अवेलेबल हो उसे हम क्या कहेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर्स के अंदर हो उसे हम क्या कह सकते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसी डिजिटल डॉक्यूमेंट को हम डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं। मतलब जो हमारे पास प्रिंट है, जो हमारे पास कागज पर लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, वह क्या हो गया, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। और जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास में कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर है वह क्या हो जाएगा, उस डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जिसे हम देखते हैं, हम पेज पर प्रिंट होती है, हमारे पास पेज पर उसकी प्रिंट होती है। और सॉफ्ट कॉपी कौन सी हो गई, जो कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर हमारे पास मौजूद है। इसी सॉफ्ट कॉपी को ही हम डिजिटल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। अब एक डिजिटल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमारे पास कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन इन सभी सॉफ्टवेयर में से सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। अब एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं, तो यह अलग अलग टूल्स हम अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यदि हमें कोई एक स्प्रेडशीट बनानी है, तो एक स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। जबकि एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरीके से यदि हमें कोई एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मौजूद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम इन तीनों के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद में आप लोग अपने पुराने जितने भी नोट्स या बुक्स हैं उन्हें उठाकर एक बार पलट लेंगे, अच्छे से उन्हें देख लेंगे। वह बहुत काम की हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से एक बार पढ़ें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना लेंगे। अब बात करें यदि हम हमारे 10वीं के कोर्स के बारे में, तो सबसे पहली इकाई जो है आपकी, उसमें आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ना है। दूसरी इकाई में आपको स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ना है। स्प्रेडशीट के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इसका मतलब है कि हम दूसरी इकाई में एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी इकाई जो है आपकी, वह है डेटाबेस के बारे में। इस इकाई के लिए बारे में आप बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और हम इसे अच्छे से डिटेल डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डेटाबेस आपके लिए बिल्कुल नया है। आपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 9th में भी पढ़ा था, अभी 10th में उसके बारे में और पढ़ेंगे। आपने स्प्रेडशीट के बारे में 9th में भी पढ़ा था, आप लोग 10th में भी पढ़ेंगे, लेकिन डेटाबेस के बारे में आपने 9th में कुछ नहीं पढ़ा है। तो एक डेटाबेस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, यह सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी तीसरी इकाई में। इसे बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। यह कंप्यूटर की फील्ड का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, डेटाबेस। और आपकी आखिरी इकाई जो है, जिसमें हम हमारे स्वास्थ्य और हमारी सेहत के बारे में बात करेंगे कि हमें कंप्यूटर्स मोबाइल्स इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए जिससे कि हमारी सेहत पर, हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना पड़े। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल मत करो, आंखें खराब हो जाएंगी, कंप्यूटर्स पे ज्यादा काम मत करो, आंखें खराब हो जाएंगी। तो सिर्फ आंखें ही नहीं, हमारी पूरे शरीर के ऊपर कंप्यूटर और मोबाइल्स के ज्यादा इस्तेमाल का क्या असर होता है, यह सब कुछ हम चौथी इकाई में पढ़ेंगे। हम हर एक इकाई के, हर एक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएंगे, उसमें हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, आपकी किताब में आपको क्या-क्या बताया गया है और उस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ जितनी भी चीजें हैं वह सब कुछ हम पहले डिस्कस करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में ही हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे जिसमें हमने जो पढ़ा है उन्हीं चीजों का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जिन बच्चों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स की सुविधा है वह अपने घरों पर जो भी वो पढ़ते जाते हैं उसके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास नहीं है उन्हें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के स्कूल जब भी खुलेंगे हम स्कूल में कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन आप ये बात अच्छे से याद रखें कि आपके लिए लिखने से ज्यादा जरूरी प्रैक्टिकल करना है। क्यों? क्योंकि आपको 10th क्लास में प्रैक्टिकल का पोर्शन अधिक है और थ्योरी का पोर्शन कम है। थ्योरी हम इन्हीं वीडियोस के माध्यम से पूरी कर लेंगे। इस पूरी जब हम किताब पूरी पढ़ लेंगे उसके बाद में हम एक-एक करके जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसके प्रैक्टिकल्स भी
ही करते जाएंगे। इस तरीके से हम दोनों ही पार्ट पूरे करेंगे। यदि आपको किसी भी जगह कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, और जब भी आप जो भी समस्याएं मेरे सामने रखेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें हल कर सकूं। तो अब मेरी आपसे यही आशा है कि आप लोग एक बार 9th क्लास का जितना भी आपके पास मटेरियल है, जो भी बुक्स या नोट्स हैं, वह सब आप एक बार रिवाइज कर लें, उन्हें एक बार पढ़ लें। जब हम नेक्स्ट वीडियो से 10वीं का कोर्स शुरू करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी को पुराना सब कुछ याद हो, आप सभी आगे का नया कोर्स पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो वो बिल्कुल हम समझेंगे, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरी मेहनत के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब बात करें यदि कि हम और क्या नया करेंगे, तो मैं आपको जो वीडियोस बना के दे रहा हूं, यह वीडियोस आपके पास पूरे समय के लिए अवेलेबल हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है, आप लोग जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, दूसरे टीचर्स आपको शायद पढ़ा रहे हैं, तो जो ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी चल रही हैं, वह सिर्फ लाइव लेक्चर्स चलते हैं, उसके बाद में आपके पास वह लेक्चर की कोई जानकारी या उस पढ़ाए गए टॉपिक के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यह वीडियोस आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप जब भी चाहें तब इन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे आपको यह फायदा होगा कि जो भी बच्चे जिनके पास किताब नहीं है या जिनके पास किताब है फिर भी वो अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, अलग से कॉपी बनाना चाहते हैं, लिख के रखना चाहते हैं, तो वह बाद में दोबारा इन वीडियोस को देखकर अपनी कॉपी बना सकते हैं, अपने नोट्स लिख के रख सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोग मेरा पूरा सहयोग करेंगे, मुझे निराश नहीं करेंगे और अच्छे से ITES की तैयारी करेंगे। यह 10th क्लास है, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम होनी है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपकी 10th क्लास के कोर्स का पहली इकाई का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।